दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले टू थर्ड छतरपुर का अत्याधुनिक स्कूल। छतरपुर जिले में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के बीच अंतरकलह की स्थिति बन गई है। प्रदेश में मंत्री रह चुकी ललिता यादव और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी करेंगे और दावेदारी के लिए अभी काफी वक्त है, फिर भी एक दूसरे पर ये दोनों नेता हमले कर रहे हैं। इसी जुबानी जंग के बीच वर्ष 2009 में हुआ नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव भी सामने आ गया। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पुष्पेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी अर्चना सिंह छतरपुर नगरपालिका में प्रत्याशी के तौर पर उतरी थीं। उनके खिलाफ कांग्रेस की ओर से कीर्ति विश्वकर्मा चुनावी मैदान में थीं। पिछले दिनों भाजपा की पूर्व मंत्री ललिता यादव और पुष्पेंद्र प्रताप सिंह के बीच चल रहे आपसी जुबानी विवाद के दौरान ललिता यादव ने वर्ष 2009 में हुए नगरपालिका अध्यक्ष पद के चुनावों का मुद्दा छेड़ दिया। ललिता यादव के मुताबिक वर्ष 2009 के चुनाव में सब कुछ ठीक नहीं था, ये सब लाल कपड़े में कैद है। अब इस लाल कपड़े में क्या इतिहास छिपा है, इस पर कांग्रेस की एंट्री हुई है। वर्ष 2009 में कांग्रेस की प्रत्याशी रही कीर्ति विश्वकर्मा ने बताया कि ललिता यादव की जुबान से 2009 का सच निकल गया। उन्होंने कहा कि 2009 में वही चुनाव जीती थीं, लेकिन प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अर्चना सिंह को चुनाव जितवा दिया था। सुनिए लाल कपड़े के जवाब में कीर्ति विश्वकर्मा ने क्या कहा। देखिए, हम सब जानते हैं कि एक कोटेशन कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं होता, और ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है, ये दोनों ही बातें आज सिद्ध होती हैं। क्योंकि 2009 का जो नगरपालिका इलेक्शन था वो जुडिशरी से भी हम लोग हार गए थे, वहाँ पे जीत दर्ज हुई थी ये मुझको पता है, मेरे कांग्रेस पार्टी के लोगों को पता है, लेकिन हम उसको ना तो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने सिद्ध कर पाए, ना हम उसको समाज में सिद्ध कर पाए। हालांकि समाज के जो लोग वहाँ पे उपस्थित थे, काउंटिंग के समय थे, महाराजा कॉलेज के टीचर्स थे, सब लोग यथार्थ बताते हैं कि बेटा ऐसा ऐसा हुआ था। लेकिन आज जो ये पूर्व मंत्री ने बयान दिया है, ये बयान नहीं दिया, कथन है उनका, अपने इमोशंस में बह के निकल आया, लेकिन वो सत्य निकल आया कम से कम। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम जनता को फाइनली पता चल गया कि जीत हार का निर्णय एक्चुअली में क्या हुआ था। और मेरी जहाँ तक बात है तो मैं तो वहाँ पे दरवाजे के बाहर धकेल दी गई थी, कलेक्टर साहब अंदर थे, मंत्री जी भी अंदर थी, माननीय लोग भी अंदर थे, बड़े बड़े नेता थे भाजपा के उस समय, हम लोग नए थे, हम तो नए ही थे पूरे, बाहर धकेल दिया गया दरवाजे के अंदर। अब वो लाल कपड़े में बंद हुआ कि नीले कपड़े में बंद हुआ ये मंत्री जी को ही पता रहा होगा, उस समय बड़ी पावरफुल थी आप, और 13 साल होने को आए हैं, इस 13 सालों में आज ये बात सिद्ध होती है कि जो जनता समझती थी, जो जनता का मन कहता था, वो सत्य कहता था, और वो सत्य की यथार्थ मोहर लग गई आज, ये ईश्वर का न्याय मैं मानती हूँ। बाकी अब दो गुटों की लड़ाई में इस तरह से ये चीज़ निकल के आएगी, ये तो मेरे लिए भी बड़ा अचानक से ही मैंने देखी ये खबर, और मुझे भी लगा कि ये आखिर क्या हुआ, क्योंकि जिस चीज़ को संगठन छुपाने की कोशिश करता है, राजनीतिक अपनी अपनी गाइडलाइंस होती हैं, राजनीतिक गलियारों के काले सच अलग होते हैं, आम जनता उससे परिचित नहीं होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से सत्य देर से निकलता है, पर निकलता है, इस बात की मुझे खुशी है। हम लोगों ने इसके लिए पिटीशन भी दायर करी थी, लेकिन यही राजनीतिक उपक्रम चलते चलते वहाँ पे भी काम किया, और बीजेपी पार्टी के दबाव में जुडिशरी ने भी गलत फैसला दिया थी, धक्के मार के हम लोग को बींग अ कैंडिडेट हम लोग को बाहर फेंक दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें राजनीति में होती है, ये हम भी देख ही रहे थे। अच्छा, राजनीति इस तरह से होती है, लोग कहते थे, फिर उसके बाद जनता के लिए क्योंकि लड़े थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि भाई पढ़े लिखे लोग आगे आए, ईमानदार लोग आए राजनीति में, तो फिर धीरे धीरे 13 साल में समझ में आया कि ना तो पढ़े लिखों की ज़रूरत होती है राजनीति में, ना ईमानदारों की ज़रूरत होती है, यहाँ पे कुछ और ही गणित काम करता है।